हमारे शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके अपनी अपनी डोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं, अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बक्कड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। एक रुपया पचास पैसा खाते में तम्मे लिख लिया। ताने दम पा पम पा पम पा पा पम पा 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 पा। गुरु चाय भी? मैं गुरु हूँ। भाई वो अपना राजा कहाँ है? देखता होगा किधर, तो भी चल। गुरु करीम भाई, वाह वाह, अल्लाह कसम मियाँ, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने मुझ जैसे इतने छोटे से नाई को दाढ़ी बनाने का इतना बड़ा काम सौंप दिया। अरे भाई आप जैसे नरम हाथ तो सारे शहर में नहीं है। अरे पत्थर को छू लो तो वो हलवा हो जाए, यही तो मैं समझा रहा था झुनझुन वाला को। झुनझुन वाला? अरे ये झुनझुन वाला कौन है? गवर्नर का ADC झुनझुन वाला। अच्छा, तो कल रात को आप उसी की गाड़ी में बैठ के आए थे? मिनिस्टर की गाड़ी में बैठ के आए थे। रिश्ते में लगते हैं हमारे। कौन वो मिनिस्टर? नहीं, उनका ड्राइवर। क्या वो बातें छोड़ो यार, ये नोट रखता हूँ हमेशा मैं, छुपनों का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। कितना रहने दीजिए, पैसे तो वैसे भी नहीं आने वाले। मेरा मतलब है कि पैसे कहाँ जाने वाले हैं। हाँ वैसे आप बहुत जल्दी गए। हाँ वो चतुर्वेदी साहब को मिलना, चतुर्वेदी पुलिस कमिश्नर चतुर्वेदी। हाँ सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। चट, क्यों? मुझे देखना है। क्या? हरी को। हरी को? मधु तेरा बाप देख रहा है। कहाँ मिलोगी? हरी, हरी भाई। हाँ सब करता हूँ। लफंगा कहीं का, जब देखो बीच में टांग अड़ाता है। हरी भाई हवा भर गई? हाँ हाँ बस हो गया। तुमने बताया नहीं मधु? शाम को 6 बजे। मधु बेटे जल्दी आ जा। अरे पैसे मत देना, हरी भाई अपनों से पैसे नहीं लेता। अगर काम लोग। हरी भाई धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ हाँ सब वसूल करूंगा। क्यों हरी, मामला जम रहा है? अरे काय का जमता है गुरु। क्यों? बुड्ढे ने टांग अड़ाकर सब कचरा कर दिया। कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कुछ बताया नहीं। बहुजी मजा आ गया, लव स्टोरी में हीरोइन का बाप ही विलन। खुदा करे हसीना का बाप मर जाए। हसीना का बाप? हाँ। मर जाए, जगह खाली हो जाए, बंदा वहां पहुंच जाए, अपने हरी का काम बढ़ जाए। चब्बे खेल खेल तो रहा हूं। आ चैंपियन, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, टाइम पास। गुरु, ओ गुरु। ए गुरु, राधा बुलाती है। हाँ हाँ मालूम है। सुनता नहीं क्या तेरे को? ए गुरु, पता नहीं क्या समझता अपने आपको, जब देखो तब खेलता रहता है। ए ए तेरे को सुनता नहीं क्या रे? क्या हो गया? आप उनकी खोली का लाइट गए लाए, चालू करके बत्ती लगा के देना।
आज नहीं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, गेम चालू है। ए दुखिया, सबको बोल दे दुकान बंद है। आज दुकान बंद है। आस्ते। ए, ए राजा की बच्ची, अरे कहाँ घूम रही है, कल भी काम पे नहीं आई, वो सेठानी तेरी जान को रो रही है, जल्दी आ। आती हूँ। शर्माजी के पैसे आए? हाँ आ गए। गुरु, टीचर आ गई। मेरे घर का नल जरा बिगड़ गया है। अभी आया। बाद में भी कर दोगे तो चलेगा? नहीं, अभी करके देता हूँ ना। ऐसी कोई जल्दी नहीं, पर याद से कर देना। रात को पढ़ने जाते हो? जी हाँ टीचर जी। कोई परेशानी हो तो पूछ लेना। थैंक यू टीचर जी। बैठो। मास्टर जी संभाल के। आज भी काम नहीं मिला? नहीं बेटा, जैसे गया था वैसे ही वापस आया, हर दिन जैसा होता है बस। आप फिक्र मत करो मास्टर जी, वो हम सब कलाकारों के साथ ऐसे ही होता है। अब आप मेरे को देख लो, मैं कितना अच्छा शायर हूं पर मेरे को कोई सुनता ही नहीं है। क्यों भाऊजी? इसलिए तो मुझे सुनना पड़ता है। चुप। चाय पियोगे मास्टर साहब? नहीं नहीं नहीं। मास्टर जी मुझे लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा खास कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा खांसी हुआ और सांस का तकलीफ बस। कुछ दवा दारू करवा लो मास्टर, पैसों का फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर को बोल दूंगा। ये तो हर दिन का बीमारी है बेटा, कब तक तुम डॉक्टर को बुलाओगे? तुमने कह दिया, यही खूब है। ठीक, मैं चलता हूँ। आइए मास्टर, मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। चलिए मास्टर साहब, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ। बराबर। देखिए, अगर थोड़ी बहुत मदद की जरूरत हो ना तो मुझसे कहना। नहीं नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं चला लूंगा। अरे मास्टर साहब, महीने डेढ़ महीने से आपको शादी में बाजा बजाने का ऑर्डर नहीं मिला, तो फिर पैसे कहाँ से आए? वो पहले का कमाई से ना थोड़ा बहुत बचा के रखा था, उसी से चला लूंगा बस, और क्या। ठीक है, मगर मेरे को पराया मत समझना। नहीं बेटा, तुम्हें कभी मैं पराया नहीं समझूंगा। अगर सचमुच कभी जरूरत पड़े सिर्फ सिर्फ तुमसे मैं मांग के लूंगा। गुरु बोल। एक शेर सुन। सुना। पागो पागो नेता आया। नेता आया? पागो पागो नेता आया, डुग 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 टुक 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 टुक, क्यों नहीं बोल? नहीं, डुग 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 डुग। मॉडर्न पोएट्री यार, तुम नहीं समझोगे बाऊजी, दिमाग चाहिए दिमाग। मॉडर्न पोएट्री? मॉडर्न। अच्छे थे भाई साहब। बोलिए। इधर वो बंगाली बैंड मास्टर कहाँ रहता है? क्यों, क्या काम है? मैं A1 बैंड की तरफ से आया हूँ, उधर का ट्रम्पेट बजाने वाला नहीं आया तो हमारा धनी इधर का पता दिया, बोला बंगाली बाबू को बुला के लाओ। अरे अपने बंगाली बाबू का तो क्या बात है, बहुत अच्छा बजाते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में उनको खास बुलाया जाता है ट्रम्पेट बजाने को। आप एक काम कीजिए, आप इधर ठहरिए, मैं उनको अभी लेके आता हूँ।
राजा तू संभाल। आइए आइए जरा जल्दी। अरे बिजली की तरह गया, बिजली की तरह आइए आइए। तो बद्र भाई, ये भाई अपने मास्टर जी को काम देने आए हैं, और गुरु ने कहा है इनका जरा खास ख्याल रखने के लिए। अच्छा हाँ जी। तम्बे जी, एक स्पेशल चाय बनाओ साहब को। मास्टर जी अब कैसी तबीयत है आपकी? कैसी है बेटा, चल फिर तो सकते हो? उतना भारी पड़ता आज तो आपको चलना पड़ेगा, आपको शादी में बैंड बजाने का ऑर्डर मिला है। बैंड बजाने का ऑर्डर मिला? हाँ। तो तुम्हें चलूंगा, बजा भी बजाऊंगा। अरे वाह मास्टर, ऐसा फटाफट तैयार हो जाओ। यूनिफॉर्म किधर है? वो है। ओहो, इसको तो इस्त्री करना पड़ेगा। मास्टर जी आपके जूते, जूते और वो मेडल के तो। अब मास्टर जी आप फटाफट मुंह हाथ धो के तैयार हो, मैं ये सब तैयार करके आया। गिरना मत मास्टर, गिरना मत। बहुत दिन के बाद बैंड बजाने का ऑर्डर है, गिरना मत। एक कुंडू जल्दी से मास्टर साहब के जूते चमका दे, उनको काम मिला है। जल्दी काम मिला है? हाँ। कमाल है, मेरे काम का क्या हुआ? तुमने सुना नहीं, मास्टर साहब को काम मिला है, अपुन बहुत बिजी हो गया। तुमको जल्दी है तो नाके की दुकान पे जाओ। क्या अजीब आदमी हो। अरे चौरसिया से पीतल का पॉलिश लेके जल्दी से पॉलिश कर, मास्टर जी को काम मिला है। क्या करवा? मास्टर जी को काम मिला है, जल्दी से सब पॉलिश करवा। राजा चकाचक। राधा, राधा क्या बात? राधा ये कपड़े जल्दी इस्त्री कर, अपने मास्टर जी को काम मिला है। क्या मास्टर जी को काम मिल गया है? बहुत अच्छे, मैं अभी जाके अच्छी साड़ी बनाता हूँ। मगर वो तुम्हारा आदमी किधर गया, अभी तक क्यों नहीं आया? बस अभी आता होगा, तब तक तुम सिगरेट पियो ना। चौरसिया साहब को सिगरेट पिला। अब लो लो सरकार, सिगरेट एकदम विलायती है। पियो पियो। अरे भाई हमको देर हो रही है, वो अभी तक क्यों नहीं आया, कितना टाइम क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो ड्रेसिंग कर रहे हैं। आप उनका कॉस्ट्यूम देखे होगे ना, अंग्रेजों का टाइम का कॉस्ट्यूम है भाई। अरे होगा लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं? अरे जब तक तुम पान खाओ, चौरसिया की दुकान का पान बहुत अच्छा होता है। चौरसिया साथ में एक पान खिलाओ। ये लो सरकार पनवा। डर पम 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 न न न न न न। ओह कितनी देर हो गई, आपकी घड़ी गलत है, फास्ट चल रही है। मगर वो अभी तक क्यों नहीं है? अरे आप तो एक सिगरेट और पियो सरकार। अरे अभी तो पी। तो अभी एक चाय और पी लो साहब। वो भी तो पी ली। तो भाई साहब एक अच्छा सा पान और खा लो। अरे खा लिया वो भी, हमको देर हो रही है, उनको बुलाना। अरे तम्बी जी जा जल्दी भाग के जाओ, बैंड मास्टर को बुला ला। साहब को देरी हो रहा है। क्यों साहब जी? हाँ जल्दी बुला के लाओ। हाँ अभी गया और अभी आया। हाँ कसम बड़े तलाक की मास्टर जी, मैंने आपको फिट कर दिया, अब जाके बजा दो शादी का बाजा। कैसी लग रहा हो बेटी? बहुत अच्छे। लो वासे साहब इसे बजा के हम एक लमन में सुनाओ। वाह वाह मास्टर साहब वाह। मास्टर साहब फटाफट जाने का और मैदान च मार के आने का, क्या है? तो माफ करना भाई साहब, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा, मगर मैं मास्टर साहब को तैयार करके लाया हूँ। कौन ये? कौन है तो कौन? तुम्हें तो कहा था बंगाली बाबू। मगर ये तो बूढ़ा है, हा? ये क्या बजाएगा? खाली फोकट हमारा आधा घंटा खोटी किया। अरे 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 भाई ट्राई तो करके देखो, तुमको क्या मालूम अपुन का मास्टर क्या अच्छा ट्रम्पेट बजाता है। ट्राई तो करके देखो। भाई साहब मैं आपको एक दफा की बात बताता हूँ, हमारे ये मास्टर जी ने ना यही ट्रम्पेट बजा कर हवाई अड्डे के ऊपर प्रधानमंत्री को सलामी दी थी। ये हमारा बैंड मास्टर इतना अच्छा ट्रम्पेट बजाता है कि जो भी सुनते मस्त हो जाता है। अरे बजाता होएगा हमको क्या? देखो 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 ये सब मेडल जो तुम देख रहे हो ना, इसे राजा और महाराजा ने दिया इनको। ये खास मेडल लॉर्ड माउंट बैटन। किसने? लॉर्ड माउंट बैटन द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। हाँ, अपने हाथों से उनको पहनाया है। अंडरस्टैंड दिस
अरे बाबा अपन बोला ना, ये भूला है, नहीं चलेगा। हमको तो जवान आदमी मांगता है जिसकी छाती में दम हो। ए, जुबान जुबान के बात कर, अपने नुक्कड़ में ऐसा बात नहीं बोलने का। देखो तुम हमारा आधा घंटा खोटी किया, ऊपर से तुम भाव क्यों बताए। अरे भाई साहब तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमारा बैंड मास्टर बहुत अच्छा बाजा बजाता है, कोई जवान भी ऐसा नहीं बजा सकता। ना रुको, उसको लेके आता हूं। एक मिनट। मास्टर जी, तेरे को मैं सिर्फ 2 मिनट देता हूं, यहां से फुट। तेरे भले के लिए कह रहे, भाग जाओ जी। बोलो भाग जाओ। चले साला, आया था बैंड मास्टर लेने को। बुरा हुआ गुरु, हर आदमी कैसे है, मैं भुट्टा हो गया, मैं और बजा नहीं सकता, मेरे से और कुछ काम नहीं हो सकता। अगर मेरे से कुछ काम नहीं होता तो तुमसे क्या काम है। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बजाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं बजाऊंगा। मास्टर, ठंडा पानी कैसा है? मर गया मास्टर। क्या हुआ? हम ये ट्रम्पेट बेचना मांगते हैं। मास्टर, ये तो तुम्हारी रोजी रोटी की चीज है, इसे बेच दोगे तो खाओगे क्या? कुछ भी। बोलो क्या दाम दोगे इसका? बल मास्टर, ये पीतल है ना, पीतल के भाव बिकेगा, इसकी वैल्यू क्या है कुछ नहीं। मैं जानता हूं इसकी कोई कीमत नहीं है आज, मेरा भी। खैर बोलो क्या दाम दोगे? मैं तुम्हारा लिहाज करके इसके 200 रुपए दे सकता हूं। बस सिर्फ 200 रुपया और कुछ ज्यादा नहीं दे सकते? कुछ नहीं। ठीक है, लाओ 200 रुपया, उठाओ ये बोझ। हेलो, ए गुरु। हाँ बोल। तूने कुछ सुना क्या? अपुन का बैंड मास्टर है ना, उसने अपना बाजा बेच दिया माणिकलाल सेठ को। का बाजा बेच दियो? यही तो उसका एक सहारा था, अब क्या करेगा? राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों काका? मन में एक भारी बोझ था, वो आज उतर गया। काका, मगर आप करेंगे क्या? जब हाथ में दम है कुछ भी करूंगा, मगर जिंदगी में ट्रम्पेट नहीं बजाऊंगा। सारी जिंदगी मैंने बिता दिया पर क्या मिला? थोड़ी देर पहले मैं बुढ़ा नहीं था, अभी मैं मर गया। क्या काका, तुम भी? ये ट्रम्पेट की आवाज कहां से आ रही? सब बाहर की बजा रहा है। पर ये तो मेरी ट्रम्पेट की आवाज, देख तो कौन बजा रहा है? अभी आई। काका, सब नुक्कड़ वाले हैं। नुक्कड़ वाले? हाँ। लेकिन मेरी ट्रम्पेट उन लोग का कैसे मिला?
आप उनको क्या मालूम? सुन, बिल्कुल बेसुरा बजा है, जा जाके माना कर, बोल बोल बंद करने के लिए। क्या? अरे बोल बंद करने के लिए। क्या कहा तुम भी? अरे हम कैसे बोलेगा, आप ही जाके बोलो ना। ठीक है। अरे ए बंद करो ये बजा। हम तो बजाएगा। तो नाक के बजा के बजाओ। हम तो इधर ही बजाएगा। हाँ, रात भर बजाएगा। ये सुनो भैया, बजाओ बजाओ, रात भर बजाओ, गला फाड़ के बजाओ। अरे 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 काका काका, गुस्सा काय को करता है तुम? ये सब लोग तुम्हारे वास्ते ले आया। अरे इतना भी नहीं समझता तुम? नहीं चाहिए मुझे। और तुम भी जाओ। बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, जैसे हमको मालूम था कि मास्टर जी बुरा मान जाएंगे। गुरु, अब इसका क्या करोगे? हाँ, कौन कहता है मैं बुड्ढा हो गया हूं? अभी तो मैं जवान हूं, अभी भी मैं बजा सकता। सुनो,